नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा डिगलीपुर में आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण की मांग। मुख्य सचिव ने स्कूल के कक्षा कमरों का किया उद्घाटन। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क कवरेज का दिया निर्देश। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उत्तर अंडमान के डिगलीपुर बाजार में मॉडर्न बस टर्मिनस के निर्माण की मांग रखी है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जोर दिया कि डिगलीपुर के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तर्ज पर बस टर्मिनल का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि रंगत और बंबू फ्लैट क्षेत्रों में आधुनिक बस टर्मिनल अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसी तर्ज पर डिगलीपुर में भी उसी तरह की सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाए। डिगलीपुर में उचित बस स्टैंड के अभाव में स्थानीय लोगों को खासतौर से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान असुविधा होती है। खासतौर से बारिश और धूप के समय लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इन्हें देखते हुए सांसद ने मुख्य सचिव से डिगलीपुर में आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण की मांग रखी है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद द्वारा रूरबन मिशन के तहत शोर प्वाइंट स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय में 8 नए कक्षा कमरों का निर्माण किया गया है। इन कक्षा कमरों का उद्घाटन आज हुआ। इस सिलसिले में आयोजित समारोह में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपायुक्त एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा, परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर, परिषद के उपाध्यक्ष भूमिनाथन, जिला परिषद सदस्या, स्थानीय लोग और स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव के स्कूल परिसर पहुंचने पर बच्चों द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुख्य सचिव ने रिबन काट कर इन 8 नए कक्षा कमरों को विद्यार्थियों को सौंपा। उन्होंने शिलापट का अनावरण भी किया। पर्यावरण को संरक्षित करने के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य सचिव ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। अन्य अधिकारियों ने भी पौधे लगाए। आयोजित समारोह में मुख्य सचिव व अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर ने मुख्य सचिव एवं अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। The engineers of the Zilla Parishad as well as the contractor has done a very good job in finishing this in a record time. And 7 months ago, 8 months ago, on a very rainy morning when I came here, it was looking like it will never be finished. But within the given time, the contractor and engineering section have been able to work out solutions for some problems, and they have finished the construction, which is an excellent thing by the Zilla Parishad team, sir. जिला परिषद की ओर से मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर अभिवादन किया गया। परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने इन कक्षा कमरों के निर्माण में पूरा सहयोग देने के लिए प्रशासन का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। लगभग 2 करोड़ रुपया में तैयार हुआ है। रूरबन फंड जो है जिला परिषद को मिला था और उस कंट्रैक्टर ने या हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो हमारे इंजीनियरिंग विंग है उनकी अथक प्रयास रही कि ये समय रहते इस कार्य को संपन्न किया गया। अन्यथा रूरबन का फंड भी ये मार्च लास्ट तक जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार ने उस पोर्टल को बंद करने के लिए अपना एक आदेश भी पारित किया है कि मार्च तक काम कंप्लीट करना है और उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने बहुत तीव्रता से उस काम को करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी आग्रह किया कि इसको जल्दी से ख़त्म करिए ताकि आपको पैसा मिल पाएगा करके। कई सारे इस स्कूल में कार्य करने को है जिसका हमने टेंडर कर चुके हैं। रास्ता भी आपने देखे होंगे आने टाइम में रोड से इधर आने के लिए थोड़ा तकलीफ था, उस सब के लिए हमने ऑलरेडी टेंडर कर चुके हैं सर। कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू भी कर दिए हैं। बहुत जल्दी ये स्कूल का और भी प्रांगण अच्छा हो जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस इलाके और आसपास के बच्चों के लिए इन कक्षा कमरों का उद्घाटन मील का पत्थर साबित होगा। इस एरिया में जो परिवार रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले सीएस सर ने पोर्ट मोर्ट में विवेकानंद विद्यालय में इनॉग्रेशन किया था, तो उसमें सर ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस किया था कि शिक्षा की गुणवत्ता, ये फिजिकल एसेट्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनने ही चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये आज जो 8 क्लासरूम्स सीएसआर ने इनॉग्रेट किए हैं, ये हमारे बच्चों की शिक्षा में, उसकी गुणवत्ता में बढ़ाने के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने उपस्थित बच्चों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण अंडमान जिला परिषद ने एक साल में 80 से अधिक विकास कार्यों को अंजाम दिया है, जो कि सराहनीय है। आपने सुना होगा हमारे जमाने में एक क्रिकेट का प्लेयर हुआ करता था वीरेंद्र सहवाग, वो आते के साथ ही चौके छक्के मारता था। तो उसी तरह जिला परिषद अध्यक्ष ने एक साल में ही इतने चौके छक्के मारे कि वो 84 काम एक साल में उन्होंने किए। ये अत्यंत ही सराहनीय है और ये इसलिए संभव हुआ कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम किया गया। मैं आपको पूरा विश्वास करता हूं कि कोई भी जगह वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जहां पे पारदर्शिता नहीं हो, जहां पे स्वार्थ होगा वो उन्नति नहीं हो सकती है, और जहां पे पारदर्शिता होगी वहां पे सबकी उन्नति होगी। ये मानी हुई चीज है। और जहां पे स्वार्थ होगा, पारदर्शिता नहीं होगी, वहां पे जो आदमी को इस तरीके के कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यों में उलझा हुआ है, उसकी भी उन्नति नहीं होती। तो ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया और ये दिखाया कि एक साल में यदि हम अच्छी तरह से सारी आवश्यकताएं हैं पूरे समाज की, उनको देखें और शिक्षा पे जोर देते हुए रहें, शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। इस सिलसिले में कल उनके कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, सोफ्टेक के सदस्य सचिव, दूरसंचार विभाग के नोडल अधिकारी संचार, बीएसएनएल दूरसंचार के निदेशक, बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक, एयरटेल एवं जियो तथा वोडाफोन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन और मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नेटवर्क प्रोवाइडरों को यह निर्देश दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभाग को संवेदनशील और गंभीर मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदान के दिन वेबकास्टिंग के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। पर्यटन विभाग द्वारा एजेंसियों के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में टूरिस्ट गाइड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 8 मार्च तक बिलानीपुर के टील हाउस में चलने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े टूरिस्ट गाइड मौजूद थे। पर्यटन विभाग की अधिकारी राबिया मुस्तफ़ा ने उपस्थित टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षण प्रदान किया। गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि प्रपोजल सबमिट करो कि हमारा जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल जो आर्ट है, ठीक है, उसको एक हम लोग अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सके करके ब्रिटेन में 1978 में, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, देन हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और जो प्रोग्राम होगा क्लासिकल इंडियन आर्ट जो होगा वो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस प्रकार हमने मतलब उसको एंजॉय किया था, जैसे हमारे स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने कैसे फेस्टिवल जैसे मूड किया था उस प्रकार का होना चाहिए बड़ा फेस्टिवल। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी ने नगरपालिका मुख्यालय के पुनः डिजाइन किए गए पोर्टिको की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण किया। नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा ने परिषद मुख्यालय भवन के भीतर नवीनीकृत शौचालय का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यालय परिसर में दोपहिया पार्किंग स्थल के निर्माण की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद तथा परिषद के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अमृता अस्पताल कोची द्वारा पोर्ट ब्लेयर के शादीपुर स्थित अमृता हेल्थ सेंटर में हृदय रोगों के साथ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क विशेषज्ञता शिविर आयोजित किया जाएगा। 10 मार्च को शिविर आयोजित होगा। इसका उद्घाटन प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र करेंगे। इस शिविर में बच्चों का विस्तार से परीक्षण किया जाएगा, साथ ही इकोकार्डियोग्राम्स, चयनित बच्चों को निशुल्क सर्जरी अथवा अमृता अस्पताल कोची में प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा। इस शिविर से लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभिभावक मोबाइल नंबर 7063976746 और 8900914409 पर संपर्क कर बच्चों का पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशासन के राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत नवनियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए आज 1 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रभारी सहायक निदेशक राजभाषा ईपी जाकिरुद्दीन ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला आयोजित करने का मकसद कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं ई ऑफिस में हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय करने से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। कार्यशाला के पहले सत्र में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एस मोहनदास ने राजभाषा नीति एवं राजभाषा से संबंधित नियमों और अधिनियमों की जानकारी दी। दूसरे सत्र में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अजय सिंह ने कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय करने और शासकीय कार्यों में उपयोगी ई टूल्स के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में कुल 18 लिपिकों ने हिस्सा लिया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक का प्रसारण करने जा रहा है। स्तन कैंसर और जांच विषय पर चर्चा करने के लिए एनिम्स पोर्ट ब्लेयर के सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भरत विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कल शाम 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 217213 पर डायल कर स्तन कैंसर विषय पर डॉक्टर भरत से प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा डिगलीपुर में आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण की मांग। मुख्य सचिव ने स्कूल के कक्षा कमरों का किया उद्घाटन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क कवरेज का दिया निर्देश। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।